सो हेलो एवरीवन, हो गए हैं तैयार और कहाँ जाने वाले वो आपको मैं बता देती हूँ। तो अभी आज लेके जा रही हमको लंच पर। तो पहले ये था कि शाम को जाएंगे, लेकिन शाम को फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, शाम को नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर रात को मैं खाती नहीं हूँ बाहर खाना, बाहर के मतलब घर के अंदर भी नहीं खाती हूँ। हाँ ठीक है, तो ये है हमारी परी मैडम। तो हमने थोड़ी सी ट्यूनिंग करी इसके अंदर का, जो ये डंगरी के अंदर का जो टी शर्ट है ना, वो पिंक कलर का है और पिंक कलर का गोगल पर। ये तो मेरे ऊपर सूट होगा। हेलो ना, एक मिनट, मुझे लगा के देखने दे, कैसे टूट जाएगा। हाँ ओपन करके देना। एक तो मेरे ऊपर सूट हो गया। नहीं, मैं पहनूंगी। तो एक मिनट, मुझे लगा के देखने दे। हाँ तो फिर प्लानिंग जो है वो चेंज करी, अभी हम जा रहे हैं लंच पर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि परी को जाना है, सॉरी बच्चों को जाना है बाद में ट्यूशन। मेरा हेडेक होने लग जाता है, तो बच्चों का फिर 3 बजे का ट्यूशन है, तो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे वो सब आपके साथ में वहाँ जाके शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आगे तक। चल परी चल फटाफट, मेरा पर्स लेके आ जाना। परी सुन रही है? हाँ मेरा पर्स ले लेना। ये वाले साइड में आई थिंक। हाँ ये जो हमारे जैसा मुझे ये मेरे ख्याल से बस फर्स्ट क्राई गए थे ना उस दिन। हाँ उसके वहाँ वहाँ पे। अब बता मेरे को किधर। अब देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुझे याद है जिनके साइड में। ठीक है, तो बस अभी डिसाइड करें। एक्चुअली घर से सोच के कुछ और आए थे, लेकिन विहान कह रहा है कि इसने ये स्कूल से आता है ना बस में, तो इसने बोला था कि मैंने इसको एक होटल देखी है, तो देखते हैं वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? गए, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन साउथ इंडियन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और आज हम सोच के आए हैं कि हम लोग साउथ इंडियन ही खाएंगे। तो फिर अब जो घर से सोच के निकले थे वहीं पर ही चलते हैं। तो एक दो होटल्स जो है वो हमने ट्रायल करी, लेकिन फिर बात बनी नहीं। उसके बाद में हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम घर से सोच के निकले थे। और वैसे भी हम लोग है ना, नई जगह जो है वो एकदम से ट्राई नहीं कर पाते। जहाँ हम हमेशा जाते हैं वहीं पर ही जाते हैं, और जो खाना हम लोग जनरली मतलब खाते हैं ना बच्चे और हम लोग, तो वही मतलब नई चीज़ें, जो कहने का मतलब ये कि जो नई चीज़ें हैं ना वो हम एकदम से ट्राई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा किस किस के साथ में होता बताना ज़रूर। सोचते तो बहुत सारी चीज़ें ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद में मतलब फिक्स जो चीज़ें हमेशा खाते हैं वही चीज़ें खाएंगे। तो पहले तो बच्चों ने बहुत सारी डिमांड कर दी थी कि ये खाना है वो खाना है, लेकिन जब फाइनल हमने उनको पूछा कि भाई एक चीज़ बता दो कि खानी क्या चीज़ है, तो लास्ट में सबकी जो मतलब चॉइस थी ना वो एक ही चीज़ पे आके अटकी कि हमको डोसा खाना है और मेदू वड़ा खाना है। और उसके बाद में फिर विहान को आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, तो फिर हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया और खाना हो गया था। उसके बाद में फिर हमने लास्ट में एक डेजर्ट मंगाया था। क्या मंगाया था वो आप मुझे देख के बताना कि ये क्या चीज़ है, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। और जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करना कि ये क्या चीज़ है। और अच्छे से भर पेट खाना वाना खाने के बाद में फिर जैसे ही बाहर निकले तो इतनी तीखी वाली धूप थी, और फिर मुझे बिल्कुल भी ना धूप में चलने को ही नहीं होता। मेरा ना धूप से पता नहीं इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो फिर जैन साहब ना हाथ पकड़ के खींच के मुझे लेके जा रहे थे। खा पी के और आ गए हैं, मतलब आए नहीं अभी तक, बिल्डिंग के अंदर ही है, अब पहुँच रहे हैं घर पर। ठीक है, और अभी बज गई है कितनी, ढाई 3 बज रही है। तुमको पापड़ बनाया मैंने। ठीक है, अभी 2:30 बज रही है, आधा घंटा करेंगे रेस्ट बच्चे। तो इसी प्लानिंग के साथ में गए थे कि आधा घंटा पहले पहुंच जाए, और उसके बाद में फिर 3 बजे ये जाएंगे ट्यूशन, और मैं करूँगी अपने थोड़े से वीडियोस के काम। और जैन साहब ना शाम को, इन्होंने ना कमिटमेंट किया, अभी हमको सिर्फ ये खिला खिलाए, शाम को फिर कहीं ना कहीं बाहर लेके जाएंगे, है ना? है, लेके जाएंगे ना, लेके जाना ही पड़ेगा इनको। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और मैं तो आके सो गई थी, इतनी थकान हो गई थी, और बाहर इतनी तेज़ वाली गर्मी थी ना कि आने के बाद में ना मैंने चेंज किया, ना मैंने इयररिंग्स निकाले। अच्छा, चेंज तो मुझे वैसे भी नहीं करना था, क्योंकि फिर से बाहर जाना है। कहाँ जाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा।
और अभी जैन साहब को भेजा है मैंने अंदर चाय बनाने के लिए, बहुत मस्का पॉलिश करी है। उसके बाद में वो गए हैं चाय बनाने, और वो देखो क्या लेकर आए मेरे लिए, चीकू। चीकू पड़े हुए थे फ्रीज दूध के लिए, उन्होंने फ्रीज खोला होगा ना तो अंदर चीकू पड़े थे, तो फिर वो चीकू लेकर आए। तो चलिए घूमना फिरना हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया है, और अब कुछ देर लग जाते हैं काम पर। तो ये सुबह में जो कच्ची केरी है उसको मैं रख के आई थी धूप में, और घंटा डेढ़ घंटा ही रखना था, लेकिन आने में लेट हो गया। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लगी तो करीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और वो अच्छे से सूख के एकदम श्रिंक हो गई है, और इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी सारा सूख गया है। तो अब ये अचार बनने के लिए तैयार हो गई है। वैसे तो खैर इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, थोड़ा ही बना रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में लगाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लग भी गया तो कोई नुकसान कुछ नहीं है, अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। वैसे भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि 2-4 दिन ही चलने वाला है, 4-5 दिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, जब मॉर्निंग में सुखाई थी ना तो पूरी प्लेट भरी हुई थी, और इसमें से ना कुछ गायब हो गई क्योंकि दोनों बच्चे ना उसी रूम में पढ़ रहे थे, और पक्का है कि उन्होंने उसमें से ले के 5-10 तो खाई होगी, और कुछ श्रिंक हो गई तो उसकी वजह से क्वान्टिटी कम हो गई है। और अब अचार बनाना है तो सरसों के तेल में ही बनेगा, तो सरसों का तेल जो है वो ख़त्म हो गया था, तभी मैं डीमार्ट गई थी ना तो मैं लेकर आई थी। तो वैसे तो मैं पतंजलि का ही सरसों का तेल यूज़ में लेती हूँ, लेकिन पतंजलि का जो सरसों का तेल है वो स्टॉक में था ही नहीं, तो फिर मैं ये धारा का ही लेके ही। अच्छा, ये वाला जो ऑयल है ना धारा का, ये मैं पहले यूज़ में लेती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम तो यूज़ किया, उसके बाद में मैंने पतंजलि का यूज़ करने लगी, तो उसके बाद में फिर वह यही कंटिन्यू हो गया था मेरा। फिर अभी बहुत टाइम बाद ये वाला लेकर आई हूँ, और मसाले जो है बहुत ही कम मसालों के साथ में बनेगा ये वाला अचार। तो करीबन 2 बड़ा चम्मच मैंने ले ली है लाल मिर्ची, और 1/2 चम्मच लिए हल्दी का पाउडर, और नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने कांच की बॉटल में ही डाल दिया क्योंकि इसी के अंदर ही मैं अचार बनाने वाली हूँ। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना या फिर लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है तो बहुत तामझाम के साथ बनाते हैं ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है ये वाला अचार, सिर्फ 2 मिनट में। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिला के अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उतना डाला है कि सारे ही मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद में फिर ये जो कच्ची केरी है वो उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा मुझे तेल जो है वो भी कम लग रहा है, लेकिन एक बार अच्छे से उसको हिला लूँगी, और हिलाने के बाद में फिर मुझे पता चल जाएगा कि कितना मुझे डालना है। अच्छा, तेल जो है वो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको इसको स्टोर नहीं करना है, स्टोर करना होता है ना तो ये जब तक अच्छे से डूब ना जाए उतना हमको तेल जो है वो मिलाना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हल्का सा खाली मसाले जो है वो गीले गीले हो जाए, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है वो और मिला दिया है, और उसके बाद में थोड़े से ऑयल को मैंने गर्म करके मस्टर्ड ऑयल को उसी में थोड़ा सा हींग डाल दिया था, और वो हींग का तड़का इसके अंदर डाल देंगे तो इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए 2 मिनट में अचार जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको सिर्फ 2 दिन तक मैं धूप के अंदर रखूँगी, और फिर ये अचार जो है वो खाने के लिए तैयार हो गया है। और यकीन मानिए ये वाला जो अचार होता है ना वो जो हम बहुत ताम जाम के साथ अचार बनाते हैं ना उससे कई गुना टेस्टी लगता है, क्योंकि एक तो एकदम फ्रेश होता है, सारे मसाले भी एकदम फ्रेश है, और मस्टर्ड ऑयल जो है वो भी मैं अभी लेकर आई, तो हर चीज़ एकदम ताज़ा है, इतना अच्छा अचार बना था ना। तो यदि आपके यहाँ पर भी कच्ची केरी आने लगी है तो एक बार का इस तरीके का अचार जो है वो बना के ज़रूर ट्राई करना, और यदि करते हो तो मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। तो ये अचार मेरा बनकर तैयार हो गया है, शीशी बहुत बड़ी है और अचार बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्योंकि अचार जो मैं डालूंगी ना ज़्यादा क्वांटिटी में तो मैं इसी के अंदर ही डालती हूँ। और चलिए अभी अचार वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब ये मकई के दाने बच्चों ने सुबह निकाल दिए थे, लेकिन जल्दबाजी में मैं उनको अपनी जगह पे लगाना भूल गई थी, मतलब रह गया था, दिमाग से निकल गया था, और फिर हम लोग बाहर चले गए थे। तो अभी इसको मैंने थैली के अंदर, इस तरीके की थैली के अंदर भर के गांठ लगा दी, और अब इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अभी फ्रीज़र जो है ना मेरा खचाखच भरा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत से मटर के दाने भी स्टोर किए हुए हैं, और अब ये इतने सारे जो मकई के दाने हैं वो भी हो गए हैं। तो प्लानिंग कुछ और थी, और प्लानिंग सारी चौपट हो गई है क्योंकि जैन साहब अभी शॉप्स पे गए हैं क्योंकि कुछ काम था, एक्चुअली शॉप पे काम सुबह से ही चल रहा था, और जो वर्कर थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे, और फिर अभी कॉल आया तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा। तो जो लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस वाले जो होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, कभी भी वो छुट्टी ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब वाले हैं उनको जो मतलब उनका जो हॉलीडे होता है वो हॉलीडे ही होता है, और हमारा हॉलीडे कभी हॉलीडे नहीं होता है, क्योंकि जब कभी भी शॉप पे काम आता है तो उनको जाना पड़ता है, और मतलब वीक में 2 हॉलीडे उनका होता है, मतलब एक तो सेकंड फ्राइडे और एक लास्ट फ्राइडे,
और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों छुट्टियां जो वो हमें मिल जाए। तो सिर्फ बाहर हम लोग लंच के लिए गए थे और शाम को मुझे एक्चुअली जाना था डी मार्ट। कुछ सामान मैं भी कुछ दिन पहले लेकर आई थी लेकिन कुछ सामान जो है वो बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अकेले जाने से ज़्यादा अच्छा है, आज इनकी छुट्टी है तो इनके साथ चली जाऊँगी। लेकिन सब कुछ गड़बड़ा गया, मेरी जो प्लानिंग थी ना वो हमेशा ही गड़बड़ा जाती है। चलो कोई बात नहीं, शॉप के जो काम है वो भी ज़रूरी है, तभी बस मैंने ड्रेस चेंज जो है वो कर ली है और अब लगते हैं काम पर। ठीक है, तो काम तो करने ही पड़ेंगे, छुट्टी जो है वो इन सबकी छुट्टी होती, हमारी छुट्टियाँ होती कुछ नहीं होती। तो मेरा ना थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था क्योंकि जैन साहब ने ना मेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे डी मार्ट लेके जाऊँगा और वो ज़रूरी सामान मुझे लेके आना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको शॉप पर काम है तो वो लग गए हैं काम पे और अब थोड़ा बहुत काम मैं भी निपटा देती हूँ। और आज पता नहीं यही सोचा था कि जाऊँगी तो उनके साथ ही जाऊँगी, वैसे तो मैं डीमार्ट अकेले ही जाती हूँ, लेकिन ये ना कि जब छुट्टी होती थी मन होता है कि चलो उनके साथ ही चले जाए, काम हो जाए। जोश जोश में और उसी बीच में फिर इनका कॉल आ गया कि तुमको अगर डीमार्ट जाना है तो तुम लोग जाओ और तुम्हारा जो काम हो जाएगा, काम होने के बाद में मुझे कॉल करना, तो फिर मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो एक बार तो ये हुआ कि चलो अब जोश जोश में काम पर लग गई हूँ, एक मिनट जोश में काम में लग गई हूँ तो नहीं जाती हूँ, कल देखूंगी। फिर याद आया कि कल वापस सैटरडे है, सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है डीमार्ट में, तो फिर वहाँ पर मेरा काम हो ही नहीं पाएगा, तो फिर काम हम छोड़ के अभी मैं पड़ जाती हूँ। तो करीबन आधा पौन घंटा लगा था, आ गई हूँ डी मार्ट से और क्या ज़रूरी सामान मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट से वो अब मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है और आने के बाद बहुत थकान हो गई थी। तो अभी मैंने सबके लिए बनाई है मस्त मसालेदार चाय पी और उसके बाद मैं अब चाय के जो बर्तन है वो भी साफ़ कर लूँगी और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है वो भी मैं यहीं पर एंड करने वाली हूँ। तो आपको मेरे इंस्टेंट अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, और स्टार्टिंग में जब हम घूमने गए तो मैं कैसी लग रही थी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलती है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।